हाय गाइस, तो एक लास्ट वीडियो में फ्रेमिंग की बात करी थी कि तो जो फ्रेमिंग फ्रेमिंग क्या होता है बेसिकली, जब आप जैसे कि हमारा जो OSI लेयर है उसमें 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल लेयर से लेके नेटवर्क लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर होता है, वो क्या करता है, फिजिकल लेयर का जो काम होता है वो क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो फ्रेमिंग का काम होता है बेसिकली, जब आप किसी, जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे है, मेरे को अभी यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद से मुझे दिल्ली जाना है, तो जो इस टाइम मेरा सोर्स होगा वो हैदराबाद होगा, डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली होगा। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का पूरा एड्रेस फ्रेमिंग में मैंने आपको डेटा लिंक, जो लिंक लेयर होता है उसमें आपको मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर क्या करता है, आपको पूरा मैसेज जिसको जाना है उसी के लिए वो काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लिंक लेयर।